अरे चलो चलो और तेज। दीदी दीदी हमसे गलती हो गया, अब आगे से ऐसा नहीं होगा, दीदी हमें माफ कर दो। चलो एक काम करो, दोबारा एक से शुरुआत करो। चलिए चलिए चलिए। अरे वाह वाह दीदी जी, का बेजोर तरीका निकाली है इन लोगों का, बहुत चर्बी बढ़ गया है इन लोगों का। चर्बी तो तुम्हारा भी बहुत बढ़ गया है नारद, अभी तक पता नहीं कर पाए उस त्रिभुवन का, तुमको भी जरूरत है इस एक्सरसाइज की, बता रहे हैं हम। क्या बात कर रही है दीदी, हम पूरा इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं त्रिभुवन का, और ससुरा आज एक तो डील भी करने वाला है। क्या बात कर रहे हो? हाँ फिर तो वही दबोच लेंगे ससुरे को। बिल्कुल, बहुत परेशान किया हुआ है, उसके पैसा के साथ साथ ना उसका जमीन का कागज भी लेना है हमें, बहुत बेवकूफ बनाया हमारे बाबू जी को। अब बकरा भी बनेगा और बलि भी चढ़ेगा। चल छेदी। सुनो दीदी जी। हाँ। और सुनो तुम दोनों, जब तक हम वापस ना आए तब तक, समझे? चालू रखिए। ध्यान देना। अनुराग भैया, अनुराग भैया कहाँ चले गए? हम आज मिल रहे हैं ना? कहाँ हैं? कल बात हुई थी हमारी। कल तो कल चला गया ना, आज है, आज की बात। देखिए हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, हम आपसे शादी के बारे में कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। वो सब बात बाबूजी करते हैं, हम शादी वादी के बारे में बात नहीं करते। बाबूजी करेंगे क्या, क्या मतलब है आपका? अरे विशु किससे बात कर रहा है? लड़की से, वो बिना मतलब हमसे मिलना चाहती है, वो भी शादी के लिए। फोन इधर दे। हेलो सृष्टि। हाय, वो आई एम सो सॉरी, विशु फोन पे बात कर रहा था। इट्स ओके, पर हम मिल रहे हैं ना? हाँ हाँ डेफिनेटली हम मिल रहे हैं, फिर हम लोग मिलकर बात करते हैं। ठीक है श्योर, बाय। विद्वान इले प्रसाद। भगवान पे भरोसा रख, देखना सब काम अच्छे से पूरा होगा। ये विशु कहाँ रह गया? विशु, अरे विशु आया दादी। जल्दी आ, जल्दी आ। के बेटा अनुराग, इतना जल्दी तैयार होकर कहां जा रहे? माँ वो कुछ जरूरी काम था, किसी से बहुत जरूरी मिलना था। अब इतना भी क्या जरूरी है कि नाश्ता भी नहीं किया और चल दिया? पहले कुछ खा लो फिर चले जाओ। पापा भैया सृष्टि जी से मिलने जा रहे हैं। नहीं माँ मुझे भूख नहीं है, और वैसे भी सुबह सुबह नाश्ता करने की आदत नहीं है ना, तो मैं आके खाता हूँ। भूख नहीं है तो कोनो बात नहीं बेटा, पर बाहर जरूर खा लेना। जी। अरे खड़ा खड़ा मुंह का देख रहा है, जाओ जाओ जल्दी जाओ नहीं तो देर हो जाएगी। जी बाय। भैया भैया मीठा खा के जाइए, काम शुभ होगा। थैंक यू। सृष्टि बेटा ये कहाँ जा रही हो? आज तो तुम्हारे कॉलेज में छुट्टी है ना? वो ठीक है अनुराग जी, फिर हम लोग मिलकर बात करते हैं। वो माँ कुछ जरूरी काम है। अरे ऐसा कौन सा अर्जेंट ही है, ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया, बताओ बेटा। अरे बाप रे बाप, आप तो भाई एकदम सीबीआई इंक्वायरी बैठा देती हैं। अरे कहाँ जा रही है? अपनी सहेली
पूनम के यहाँ जा रही है, उसका ब्याह भी तय हो गया है, दोनों सहेलियां बताएंगी और क्या, अब सारा डिटेल जानना जरूरी है का? नहीं नहीं कोनो जरूरी नहीं है, पर ये सारा डिटेल आपको कैसे पता, ये जानना जरूरी है। हमें कैसे मालूम? हाँ वो ये फोन पे बतिया रही थी तो हम सुन लिए, लगता है हमारा और इनका आज जिरह जो है जरा लंबा चलेगा। अरे बेटा तुम जाओ, जल्दी जाओ वरना लेट हो जाएगा, जाओ 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 जाओ। क्या खामा खा सवाल करती रहती हैं आप, जाइए काम करिए। अरे कहाँ टुकुर टुकुर देख रहे हैं, जाइए काम कीजिए ना। हाँ जाइए जाइए। अनुराग जी आप बहुत अच्छे इंसान हैं और शायद रिश्ते को अच्छे से निभाना भी जानते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ दो लोगों के बीच साझा नहीं होता। शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें नाम के लिए जुड़ते तो बस दो लोग हैं, पर जुड़ाव दो परिवारों का होता है, उनकी सोच का होता है। माफ कीजिएगा लेकिन कल जिस तरह आपकी माँ हमारे घर वालों से बात कर रही थी, आज के दिन तो बिटिया को साड़ी पहना देते, आंचल तो है नहीं तुम्हारे पास, तो पट्टा ही रख लो माथे पर। आपने जिस तरह निपटाया है ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता, बिटिया को कम से कम ढंग का एक साड़ी तो पहना दिया होता। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और हम ये भी मानते हैं कि कोई भी इंसान अपनी माँ की गलती को नहीं मान सकता, तो बेहतर यही होगा कि हम इस रिश्ते की बात को यहीं छोड़ दें। हम भी देखते हैं आज तुम कैसे नहीं चलती हो, जब से आए हो तब से नाटक कर रहे हो। हमको तो खुदा ही नहीं समझ में आ रहा कि कैसे समझाएं। हम कहते हैं का कमी का है विकराल सिंह में, रुपया पैसा में, पकड़ में, पावर में, अरे कौनो चीज में वो नहीं सका हमसे। वो करे बात भी यहाँ चौखट पर रिश्ता लेके आए, अब उनके साथ रिश्ता जुड़ गया तो हमारा पुराना वाला रुतबा वापस आ जाएगा। बोलिए ना राइट की झूठ। देवर जी किससे कह रहे हैं ये सभा, इन लोगों को रुतबा पैसा से काम मत बल। भोला बाबा जैसा वचन दिया है वो कंगला वकील को और अपना बात पर अड़े बैठे, दुनिया जहां कहां जा रहा है इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रुतबा का कहें हम, रुतबा का मतलब भी जानते हैं आप लोग, किस बात में रुतबा लगता है आपको? वो गुंडा विकराल सिंह के यहां रिश्ता जोड़ने में का लगता है? ऐसा करने से इस समाज में हमारा मान सम्मान बहुत इज्जत बढ़ जाएगा। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ऐसा इज्जत या रुतबा जो किसी गुंडा के यहां रिश्ता रखने पर मिलता है। पहले ही बहुत तंस झेल चुका है परिवार, एक गुंडा के यहां अपना घर का बेटी देख एक गुंडा के घर से बेटी लाने का डांस नहीं खेल सकते हम, बिल्कुल भी नहीं।
अनुराग का शादी अब उसी लड़की से होगा जिससे उसका छेका हुआ है, और अब ये हमारा निर्णय है। अरे अम्मा, शायद तुम भूल गया, तुम्हारे बाबूजी के जाने और विद्वान के घर संभालने तक इस घर के फैसले हम लेते आए हैं, और हमारे फैसले के बाद कोई लेकिन का गुंजाइश ना तब था और ना आज होगा। आपने मुझे कहा था कि आप लॉ स्टूडेंट हैं। जी। लेकिन आप फैसले बिल्कुल जज की तरह सुनाती हैं। मतलब ये कि कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है, और आपने उसे कंप्लेंट की, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपने अपना फैसला मेरी सफाई सुने बिना सुना दिया। नाउ दैट्स रियली अनफेयर। अनुराग जी, वकीले सफाई की जरूरत इस दुनिया की कचहरी में होती है। ये हमारी जिंदगी का फैसला है, और हम कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिसकी वजह से हमें आगे जाके पछतावा हो। हम बस यही बताने आए थे, अब जा रहे हैं। ज्यादा देर घर से बाहर रहे तो सबको चिंता होगी, हम चलते हैं। देखा एक्सीडेंट? हमने देखा। अरे ऐसा भी कहाँ देख लिया जो पहले कभी नहीं देखा। पकड़ो साले को। ओ रहा त्रिभुवन, पकड़ो 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 पकड़ो। दिखाई नहीं दे रहा है क्या? कचहरी चल रहा है अभी हमारा है। इसने गुनाह किया है, अब इसे क्या सजा मिलनी चाहिए इसका फैसला करना बाकी है। बहुत हो गया गुड़दौड़, अब यहाँ से एक इंच भी हिले ना तो इस संसार से तुमको ट्रांसफर कर देंगे, बता रहे हैं। रागिनी जी, थोड़ा थोड़ा वक्त और दे दीजिए हमको, हम आपका सारा पैसा लौटा देंगे जी, अपने बच्चा की कसम खाते हैं। तूने तीनों भुवन घुमा दी अपने पीछे और अभी भी टाइम मांग रहे? अरे बताओ ससुरे को, ये जो टाइम है ना, टाइम कि तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम्हारा ये जो खेला है ना, खत्म। आज तुम्हारे पास पैसा ना होता ना तो तुम्हें बेच के वसूलते हम। चल निकाल जमीन का कागज। वो तो हमारे पास नहीं है। तो पैदा करो, नहीं है तो। यहाँ पर सब हमारे बाबूजी की इतनी इज्जत करते हैं और तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बाबूजी को धोखा देने की? दो ही दिन, बस दो ही दिन का वक्त दे दीजिए, हम आपका कागज लौटा दूंगा, अपने बच्चा की कसम खाता हूँ। दो ही दिन, उसके बाद एक सिंगल मिनट भी नहीं दूंगी, नहीं तो तुम्हारी पूरी फैमिली के चौथे पर आऊंगी, समझ जाओ।
नारद? जी दीदी। वो देखो सामने, ये अनुराग बाबू है कि उनको प्यार व्यार हो गया है? नहीं दीदी, ये तो अनुराग बाबू ही है, आइए मिला जाए। क्या बात कर रहे हो, ये छुपा 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 छुपा। तेरी अम्मा की कौन बात हमें याद नहीं रहती, तुम बात करो। प्रणाम अनुराग बाबू। लेकिन आप है कौन? वो नारद है, उसका परिचय जरूरी नहीं है, हमारा जरूरी है। हमारा नाम रागिनी है। अनुराग का ब्याह होगा सिर्फ रागिनी के साथ। किसी गुंडे की बेटी के साथ अपने अनुराग का ब्याह नहीं करेंगे। वैसे अम्मा कहती है कि लड़का लड़की को मंडप में मिलना चाहिए, पर हमारा तो ये दूसरा एनकाउंटर है। वैसे हम आपसे मिलना चाह रहे थे, उस दिन सड़क पे जो हुआ उसके लिए सारी है। तब पता नहीं था ना कि आप हमारे कौन हो, इसलिए मिस्टेक हो गया। वैसे हम बोल व्यवहार में थोड़े दबंग है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं आपको बहुत मजा आएगा। हमें अपना वो क्या कहते हैं, लाइफ पार्टनर बना के आपको बहुत मजा आएगा। वैसे पूरे फोटो वाले ही लगते हैं, हमेशा बुशर्ट ही पहनते हो, कभी कुर्ता वुर्ता नहीं पहने? अरे पहनिए, आप पे बहुत जचेगा। जगन जी, इनका अच्छे से खातिरदारी करना। जी। ये हमारे होने वाले मिस्टर हैं, समझे? तुम्हारे जीजा जी, समझे ना? खातिरदारी समझते हो ना? जी। अनुराग जी, तेरी की फिर नाम लेंगे। अच्छा चलते हैं, फिर मिलेंगे। छोटा सा कानून का तोड़े, ये समाज सुधार वाली देवी फिर से प्रकट हो गई। हम कोई देवी नहीं है, हमें जो सही लगता है हम वही करते हैं, और उस दिन भी हमने जो किया था वो सही था। वाह क्या बात है, फिर तो इस मामले में तुम बिल्कुल हमारे जैसी हो, क्योंकि हमें भी जो सही लगता है ना हम वही करते हैं। बात यह है कि हम जो करते हैं वो कानून को पसंद नहीं आता, इसलिए हमारी कानून से बनती नहीं है और तुमसे भी नहीं बनेगी। दीदी, जो करना बिगाड़ना है वो बाद में कीजिएगा, पीछे अनुराग बाबू खड़े हैं, चलिए निकलिए यहाँ से। चलो अगर भगवान ने चाहा तो तुमसे जल्दी मुलाकात नहीं होगी। अच्छा हम चलते हैं जी। क्या कह रही थी वो?